क्लिंटन का नाम सुना? वो मोनिका लुइंस्की वाला। ओए, बेड़ा गर्क, ये पहचान बनकर रह गई है उसकी। पुअर बॉय, भला कोई पूछे उसे क्या जरूरत थी अफेयर करने की? पापा जी वो अफेयर क्या होता है? अफेयर? पुत्र जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे समझा देगी अफेयर क्या होता है। इसकी तो अभी गर्लफ्रेंड है। शट अप रिया। ओए, बोलने दे से, ऐसी अफेयर की बातें सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है। क्या नाम है कुड़ी का? कुड़ी का नाम है गुड्डी। बिहेव योरसेल्फ रिया, अदरवाइज आई विल बॉक्स यू। ओए, इतना स्ट्रांग रिएक्शन, इसका मतलब है गल विच कोई ना कोई सच्चाई तो है। नहीं 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 पापा जी, कोई गल नहीं है। गल तो है पुत्र, ओ गर्ल तू बॉय बन गई ना लव स्टोरी। पापा जी बड़ा हंस रहे हो, किसकी चिट्ठी आई है? मैनू की पता किरण, दूसरों की चिट्ठियां मैं नहीं पढ़ता, बैड मैनर्स होता है। लेकिन इतने साल पोस्ट ऑफिस में काम करते करते तुम्हें तो पता चल जाता है लिफाफा देख के कि किस चिट्ठी में की लिखा होना है। सच्ची पापा जी? हाँ हाँ, तो बोलना पड़ेगा नहीं तो तेरी बीजी झूठी पड़ जाएगी। अच्छा फिर बताइए ये चिट्ठी किसने भेजी है? टू मिस्टर सूरज सिंह तनहुआ, खाकी लिफाफा, स्टैंप की जगह सरकारी मोर। इसका मतलब है ये चिट्ठी भारत सरकार ने लिखी है तेरे बाप को। प्राइम मिनिस्टर ने? हाँ, उसे बुलाया है दिल्ली गुल्ली डंडा खेलने। आपको कैसे पता चिट्ठी में क्या लिखा है? ए ते हर गल दा मजाक करते हैं पुत्र, ऐसी चिट्ठी सरकार सबनु भेज दिए की कहंदे हाँ इनकम टैक्स संभाल के रख दे। हाँ ये तो किसी चंदा मांगने वाली संस्था की चिट्ठी है, ऐसा सस्ता लिफाफा वही लोग यूज करते हैं। और ये किसने भेजी है मम्मी को? मम्मी को? ये तो जरूर तेरे नानकों से आई है, देख कितने प्यार से लिखा है, टू श्रीमती नम्रता धनोआ। अरे ये गुलाबी लिफाफा, इसमें तो खुशबू भी है, ये है प्रेम पत्र। प्रेम पत्र? लव लेटर? चुप, मतलब भी पता है प्रेम पत्र दा? नहीं, मैं क्या जी, एक हद तक मजाक ठीक होता है, साढ़े घर नहीं आ सकता प्रेम पत्र। हाँ मैं सच कहता हूँ किरण, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, 40 साल का एक्सपीरियंस है मैनू, ऐसी लाखों चिट्ठियां निकली हैं मेरे हाथ से। ये जरूर लव लेटर है। किसने भेजा है, किसको भेजा है? देखता हूँ। टू माई डियर नीरज धनोआ, ये तो मैं हूँ। फ्रॉम कल्पना चोपड़ा। यही तो गुड्डी है। गुड्डी? कौन गुड्डी? निकू की गर्लफ्रेंड। नहीं 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 नहीं, क्या ये चिट्ठी जो सबूत है, ले पढ़ के सुना। नहीं नहीं नहीं, मैं टच नहीं करूंगा, मैं खा लू, मैं खा लू। निकू से पूछ कर। फाड़ दे फाड़ दे। हाय मैं मर जावा, ये तो शर्माने लगा है, लगता है पहला प्रेम पत्र है जिंदगी का, पहला और लास्ट। ओए ओ फाड़िया फाड़िया। ओए पढ़ तो ले, क्या लिखा है? ओ निकू, ओ टुकड़े ना फेंकी। गुड्डी, हाय बाय, तुम कहीं जा रहे हो? अरे ये तो शर्मा रहा है, सो क्यूट, आजा आजा शर्मा मत। आप दोनों निकू के दादा दादी हो? हाँ पुत्र। अरे जल्दी रे जल्दी रे, बेटियां पाँव नहीं छूती। बहू है तो छूती है। संस्कार तो चंगे लगते हैं। मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। गुड आइडिया, हम दोनों साथ में करेंगे तुम्हारे कमरे में। मम्मी मैच, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। ये तो बता यहाँ आई कैसे? मुझे शर्म आती है। शर्म? मैं तुझे मेरा नया ड्रेस बताने आई हूँ, तुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है ना? था था। तो कौन सा पसंद है? मैं तो मेरे बर्थडे में वही कलर पहनूंगी। कब है तेरा बर्थडे? परसों शाम को। आप सभी आना निकू को लेके, मैं निकू के साथ ही केक काटूंगी। हाँ और फिर उसे खिलाना, वो भी तुझे खिलाया। क्यों गुड्डी? कॉल मी भाभी नो। कमाल है, पहले चिट्ठी भेजी फिर खुद चली आई। भगा के ले गई मेरे पोते नू। भाग कर तो तेरा पोता गया है। पर मैंने कुड़ी पसंद आई। की मतलब तेरा रिश्ते की गल चल रही है? रिश्ता? यूं दोनों की शादी? पहले तेरी करवा दे। नहीं 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 नहीं। हाँ वैसे कानून भी परमिशन नहीं देता बाल विवाह की। नहीं तो क्या आप निकू की शादी करा देते? आ जाने दो उसे, पूछकर देखते हैं। कितना चिढ़ जाएगा वो। हाँ
जो चिढ़ता है उसे ही चलाने में मजा आता है। आपकी बातों से शरारत टपक रही है जी। तो चलिए, प्यार भी तो एक शरारत है, है? आइडिया, राजू, फूफी, बहू, सूरज, जल्दी आओ यहाँ। वो आ गया, वो आ गया। सबको अपने अपने डायलॉग याद है ना? दूल्हे का स्वागत। क्या? बहुत बहुत बधाई हो नीकू बिटुआ। क्यों? भीतर आपके विवाह की चर्चा चल रही है। मैरिज? हाँ, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि नेक काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। अंदर तुम्हारे ब्याह की बातचीत जोरों शोरों से हो रही है। What? अगर अगर आपका हमारे समाचार पर विश्वास ना हो तो भीतर चलकर देख लीजिए। देखने पड़ेगा। नीकू और गुड्डी की शादी के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। हो नहीं देखी असी किस किस दम वो बंद करेंगे। हाँ, मिसेस शर्मा का भी फोन आया था, वो तो इन दोनों को रोज देखती है, हाथ पकड़े हुए स्कूल से आते हैं। पर मम्मी, गुड्डी तो पकड़ती है उसका हाथ। वो भी तो नहीं छुड़ाता ना उसका हाथ। इसका मतलब है उसे लड़की पसंद है। तो ठीक है जी, बच्चों की खुशी में साड़ी खुशी है। हाँ, गुड्डी के पापा कह रहे थे कि परसों गुड्डी का बर्थडे है, सारे मेहमान आ रहे हैं तो लगे हाथ दोनों की शादी करवा देते हैं। और मंगनी? ओहो बहू, ये छोटी मोटी रस्में तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले बड़ा काम तो हो जाए। और नहीं तो की, वैसे भी सारा मोहल्ला उनकी चर्चा कर रहा है। हाँ, पता नहीं सुबह से कहाँ घूम रहे हैं लव बर्ड्स। पापा जी, अब कार्ड बनवाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का तो टाइम है नहीं, मैं फोन करके सबको इनवाइट कर लेता हूँ। हाँ, मैं खाने और मिठाई का ऑर्डर दे देती हूँ। हाँ, तो मैं शेरवानी और चूड़ीदार सीती हूँ उसके वास्ते, दूल्हे का जोड़ा। सबसे बड़ा काम तो मैंने करना है, फूलों से कमरा सजाना है दूल्हा दुल्हन के लिए। एट लास्ट तूने मुझे फंसा लिया। हाँ मैं क्या जी, शादी, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करेगा? पर क्यों? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी बेटे। हाँ पुत्र, अब तो सारे जमाने को पता चल गया तुम दोनों के बारे में। और फिर एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी है, फिर परसों क्यों नहीं? परसों? वो भी गुड्डी से। गुड्डी? हाँ, हाँ। आप होंगे अश्व पर सवार दूल्हे राजा बने हुए और हम आपके पीछे आपके सर वाला बने हुए। और हम आपकी बारात में खूब नाचेंगे। निकू, कहो तुम निकू? मैं टेप रिकॉर्डर में से बोल रहा हूँ। आप मुझे फोर्स करके उस गुड्डी से शादी नहीं करा सकते। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो कैसे करोगे मेरी शादी। मैं घर छोड़कर चला गया। पेरी पेना एंड टाटा बाय बाय। किरण, निकू, 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 कहाँ हो तुम निकू? निकू चला गया घर छोड़ के। वो छोटा सा बच्चा घर छोड़कर चला गया। ये आप क्या कह रहे पापा जी? मैं क्या कहूँ, कहाँ ढूंढूं उसे। पापा जी, पापा जी, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा वो। नहीं है, कहीं नहीं है, इस टेप रिकॉर्डर विच संदेशा छोड़कर गया है मेरे वास्ते। दविंदर सिंह धनोआ, ये तूने क्या किया, क्या किया तूने? चले मजाक करने चला था, देख लेता नतीजा, हद कुलों वध कर देती, मुंडा घर छड़ के नस गया। हुन भुगत, आपे भुगत अपनी बचकानी हरकत का नतीजा। अब क्यों रो रहा है, उस वक्त तो बड़ा खिलखिला के हंस रहा था, अब रो रहा है, आंसू बहा रहा है सिमटी गिन करने के वास्ते। मैं देख के आता हूं। नमो, तुम उसके सारे दोस्तों को फोन करो, शायद वो। खैर पुत्र, शायद यही कहीं पड़ोस में हो। पठान पुत्र दे कार? पठान तो खुद घर में नहीं है, भूल गई, वो काबल गया हुआ है। सूरज पुत्र, तू जा गलियां विच सड़कां विच ढूंढ मेरे पोतरे को, पर प्लीज जाने से पहले ये लटकते हुए नाड़े वाला पजामा बदल के जा, नहीं तो लोग समझेंगे कोई पागल घूम रहा है। पापा जी, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं फूफी, जब तक वो लौट कर नहीं आता ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। हाँ पापा जी, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। निकू को पाने के लिए तो मैं ये संसार भी खो सकता हूँ।
ये यहीं सोगी क्या? मेरा बच्चा पता नहीं कितने सोया होना है रात भर, अब तो सवेरा होने लग गया। ये भी तो नहीं आया अभी तक। उसकी क्लास के सभी फ्रेंड्स के यहाँ भी पूछकर देख लिया। सभी के यहाँ फोन कर लिया? हाँ, सिवाय एक ही फ्रेंड के। क्यों 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 नहीं किया? वो जरूर वही होना है। नहीं पापा जी, वो वहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा। उसी से पीछा छुड़ाने के लिए तो भाग गया वो घर से। तेरा मतलब है गुड्डी? सूरज पुत्र, क्या हुआ, कुछ पता चला? पापा जी, एक कल्पना है। कल्पना? तेरा मतलब गुड्डी? नाम मत ले उसका। नहीं नहीं पापा जी, हम उस कल्पना की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तात्पर्य तो विचार से है, और विचार ये है कि पुलिस चौकी में जाकर निक्कू के लापता होने की खबर दे देनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है राजू, पुलिस 48 घंटों तक कुछ नहीं करेगी। अच्छा, हमारे जमाने में तो लापता की तलाश पुलिस 24 घंटे के बाद कर देती थी। पापा जी, वो जमाना और था, उस जमाने की पुलिस और थी, रूल्स और थे। लेकिन उस जमाने के बच्चे तो बच्चे ही थे ना पुत्र, 24 घंटे का समय बहुत बड़ा समय होता है। इतनी देर बच्चा नहीं रह सकता अकेला, उसे घबराहट होने लगती है, उसे रोना आने लगता है। चाइल्ड साइकोलॉजी मैनू पता है, मेरा भी यही हाल हुआ था। आपका कब? जब बचपन में मैं भी घर छोड़ के नस गया सी। मैनू दसो जी, तुसी कित्थे गए सी? जिसका कोई नहीं होता किरण, उसका भगवान होता है, ये सोचकर मैं मंदिर चला गया था। मंदिर? शायद निकू भी मंदिर गया होगा। हो सकता है, वो बिल्कुल तेरे पापा जी पर गया है। शुक्र है मेरा दिमाग काम करने लगा है। चल पुत्र, मंदिर चले। सॉरी भगवान जी। लगता है घर से भाग के आया है, लेकिन यहाँ क्यों आया है? लगता है कि उसको भगवान ने हमारे लिए यहाँ पर भेजा है। ए, चल। मैं नहीं चलूंगा। कैसे नहीं जाएगा? ए, ए, बच्चों को छोड़, सुना नहीं, बच्चों को छोड़। अबे ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है कि तू इस बच्चे का बाप है। हाँ, इस बच्चे का बाप मैं हूँ। इस बच्चे का बाप है तो नाम बता, इस बच्चे का नाम क्या है? तुम लोगों को मालूम है कि इस बच्चे का नाम क्या है? हम लोगों को तो नहीं मालूम है, तू इस बच्चे का बाप है ना, तो बता नाम, बता। हाँ, क्यों नहीं बताऊंगा, इस बच्चे का बाप मैं हूँ। ये अबे टीटू क्या कर रहा है? यही तो नाम है इसका, टीटू। हाँ, मेरा नाम ही टीटू है। मेरा छोड़, देखा, हद कर दी यार। चल चल बेटा। निकू का बैग है? इसका मतलब यही कहीं होगा। निकू। थैंक यू अंकल। अच्छा बेटा, अपना नाम बता और घर का एड्रेस बता। क्यों? ताकि तुझे तेरे घर पहुंचा दूं। घर? हाँ बेटे, मम्मी डैडी तेरा इंतजार करते होंगे। मम्मी डैडी शादी कर रहे हैं। हाँ, तेरे मम्मी डैडी अभी शादी कर रहे, इसीलिए तू घर छोड़ के भागा था ना। अच्छे बच्चे घर छोड़ के नहीं भागते। चल, मैं तेरे घर छोड़ देता हूँ। चल। नहीं। अरे चल। नहीं, नहीं, चल बेटा। निको। बोला निको। किडनैपिंग। अरे चल। अरे चल। अरे अरे पकड़ो। क्यों बे? क्या कूदे? क्या उसको पकड़? अरे भलाई का जमाना ही नहीं था। बच्चों को किडनैप करता है। बाप रे, अबे हद कर दिया यार। हाँ बाप रे, अबे कर दी। अरे बाप रे, क्यों मैं आ रहा है? तू नहीं जानता पुत्र, ये बदमाश है। मैं पापा जी, इसने तो निक्कू को बचाया है। वरना अन्य तो दुष्ट व्यक्ति हमारे निक्कू बाबा को अगवा कर ले जाते। ओए, तूने पहले को नहीं बताया? पहले बताने का मौका ही किधर दिया? ओ यार,
मैं अपने पोते के इमोशन में आ गया था। कितना भारी इमोशन। होता है यार, होता है। सूरज, इसको हॉस्पिटल में ले चलें। आजा, आजा। वहाँ जाके क्या करेंगे? वो तेरा इलाज करेंगे, और क्या करेंगे? आजा, 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 आजा। बेचारा, मुफ्त में मार खाई। ये सब तेरी वजह से हुआ निकू। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? घर छोड़कर तू भागा था या मैं? मैं तो समझता था कि तू मेरी तरह बड़ा सियाना होगा, पर तू तो बेवकूफ निकला। वो चलिया, इस तरह घर छोड़कर नहीं भागते, भले कुछ भी हो जाए। उधर क्या देख रहा? वो क्या? वो दोनों आदमी जो आ रहे हैं। वो दो लगूर? हाँ, गुंडे। गुंडे? तेरा मतलब ये वही हैं? हाँ। ओए, ये तो यही आ रहे हैं। निकू, तू आगे मत आना। क्यों? कहीं उनके पास हथियार हुए तो। You mean gun? हाँ। मेरे पास है। ओए, ये तो नकली है। उनको कहाँ मालूम है? अच्छा। Hands up! वाह भाई वाह, निकू की हो गई। वाह भाई वाह। होनहार बालक की बहादुरी, क्या हेडलाइन है। शाबाश पुत्र, शाबाश। I'm proud of you. तुमने तो धनवा खानदान का नाम रोशन कर दिया। एक नकली बंदूक से उन बदमाशों को पकड़ा जिनकी पुलिस को तलाश थी। देख, क्या मोटे मोटे अक्षरों में छपा है तेरा नाम, नीरज सिंह धनोआ। Son of सूरज सिंह धनोआ। हाँ, है तो ये तेरा ही पुत्र, तभी तो हमारा मजाक नहीं झेल सका था। खोता, तू क्या समझा था हम सच में तेरी शादी करवा देंगे? हाँ। अरे पुत्र, इतनी छोटी उम्र में तो हमारे जमाने में भी ब्याह नहीं होता था किसी का। पर मैं तो बड़ी खुश हूँ, इस सारे किस्से में मेरा बेटा बड़ा मशहूर हो गया। हाँ, अब तो वो हीरो बनकर घूमेगा पूरे स्कूल में। हम एक बात कहे पापा जी? अपनी या अपनी फुफी की? फुफी कहा करती थी कि बच्चों को झट नजर लग जाती है, इसलिए बीजी आप नीकू बिटुआ की नजर उतार लो। व्हाट शोभा, मैं नहीं मानती इन सब बातों को। अरे बहू, नजर तो यशोदा मैया भी उतारती थी अपनी बंसी बजैया के। ऐसे सूरज पुत्र, आज तो पार्टी हो जाए। Yes, yes, why not, huh? लेकिन किंतु परंतु। किंतु परंतु, चलकर गाड़ी निकाल, पार्टी का सारा सामान लेकर आते हैं। आप सब भूल रहे हैं कि आज संध्या समय निकू बिटुआ को जन्मदिन समारोह पर जाना है। अरे हाँ, आज तो गुड्डी का बर्थडे है। क्यों निकू, चलेगा ना? गिफ्ट क्या देगा तू गुड्डी को? दिल तो दे ही चुका है उसे। मैं फिर से घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, वो बैठ। बदमाश ब्लैकमेल कर रहा है हम लोगों को। लेकिन सूरज पुत्र, हमने भी कुछ ज्यादा ही चलाया इसे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल दिल का मामला है, अब इसका दिल आ गया है गुड्डी पे तो बस आ गया। पापा जी, चिढ़ता क्यों है? तू भी मुझे चिढ़ा मेरी गर्लफ्रेंड के नाम से। पापा जी, आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड गुड्डी नहीं, बुड्ढी है। पापा जी, आपने फिर से गुड्डी का नाम लिया, मैं जा रहा हूं। ओए, रुक रुक, निकू। भाई हीरो, निकू यू आर सो ग्रेट। मुझे पता था तुम इतने बहादुर हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।